Hi everyone, this is JP Singh. I welcome you all on my channel Medico Smarti. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, our today's session is very special session, a short and special session. And this short and special session, or you can say such kind of session, are in really demand. According to viewpoint of exam, or you can say according to current pattern of exam, such kind of sessions are really needed for preparation of exam. So my dear friends, our today's session is image based anatomy session, or you can say image wali anatomy. According to my language, agar meri bhasha mein bologe to image wali anatomy, ya fir English mein kaho image based anatomy. And this session is targeting every upcoming exam, whether it is INI set of November, December FMG for year 2022. Agar 2022 mein ye exam honge to हो रही हैं तो इनको टारगेट कर रहा है. अगर बात की जाए 23 ईयर की, मतलब 2023 अपकमिंग एग्जाम्स और अपकमिंग ईयर, अगर नेक्स्ट होगा तो नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट नहीं होगा तो जो एज यूजुअल एग्जाम हो रहे हैं नीट पीजी एफएमजी आईएनआई सेट, उन सबको ये सेशन क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू फील दैट दिस सेशन इज हेल्पफुल, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन. And today's session, the subject is image wali anatomy. So nothing can stop the man with right mental attitude for achieving his goal or her goal. Nothing on earth can help the man with wrong mental attitude. अगर आपका attitude आपके aim को लेके सही है तो आपको कोई नहीं रोक सकता. Goal को achieve करने के लिए पहली चीज क्या होती है, खुद की mentality. खुद की mentality अगर सही है, यस आई कैन डू दिस, एंड आपके अंदर एक फीलिंग है कि यस आई विल और आई एम गोइंग टू डू दिस, मैं इस चीज को करने ही वाला हूं, मैं इस चीज के अंदर जीतने ही वाला हूं. एक जोश होना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए. ठीक है, कुछ लोगों का क्या होता है कि उनका एग्जाम को लेके एटीट्यूड थोड़ा रॉन्ग होता है. एटीट्यूड रॉन्ग कैसे होता है कि वो सोचते हैं कि यार अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ इतना किया है, अभी तो मेरा सिर्फ इतना पोर्शन कवर हुआ है. तो जितना हुआ है एटलीस्ट उसको तो 100% कर लो. कुछ की आदत ऐसी होती कि सब कुछ हो जाए, सब कुछ नहीं हुआ तो मेरा होगा नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब. द थिंग इज यू मस्ट नो विच यू हैड डन, इट मस्ट बी 100% विद यू. जितना किया है उतना आना चाहिए, और उतना अगर आपको आता है तो आप कुछ कर सकते हो. ठीक है, अब यूं नहीं है कि दो सब्जेक्ट पढ़े 100% पढ़ लिए तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है. 19 सब्जेक्ट है, लेकिन उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो ऐसे कि एक सब्जेक्ट जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा है, इंटीग्रेटेड पैटर्न है. अब ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग कहते हैं ना, 19 सब्जेक्ट जब एक सब्जेक्ट बन जाए तो काम आसान हो जाएगा. अब 19 को अलग अलग करके पढ़ोगे तो हैवी मटेरियल, और उन्हीं 19 को अगर अपन पढ़ते हैं इंटीग्रेट करके, पैथो को फार्मा के साथ, ठीक है, माइक्रोबायो बायोकेमिस्ट्री, इनको एक जगह से हम एक इंटीग्रेशन बना के चलते हैं, तो इंटीग्रेशन हेल्प करती है किसमें, इजी पाथवे में. वहां में मिलता है एक इजी रनवे जिस पर हम आराम से चल सकते हैं. ठीक है, तो चलते रहना है, रुकना नहीं है भाई साहब. चलते रहोगे, रुकोगे नहीं, कंसिस्टेंट रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे, और पूरी तरह डिवोटेड रहोगे ना एग्जाम को लेके, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा. ठीक है, एक एटीट्यूड खुद का पॉजिटिव रखना है, मेंटेलिटी खुद की पॉजिटिव रखनी है, खुद पर भरोसा रखना है. लोग क्या बोलते हैं उस बातों को सुनने की जरूरत नहीं है. आप पर लोग भरोसा करे ना करे वो बात अलग है, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो लोग अपने आप बिलीव कर लेंगे. ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सेशन स्टार्ट करते हैं, और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन. So my dear friends, here you can see image for the day and the structure which I am going to arrow mark now. You have to point out that structure, you have to spot out that structure. This pointed out structure is our point of discussion for the day. इसी structure के बारे में आज अपन क्या करने वाले हैं, discussion करने वाले हैं. तो इस structure का नाम क्या है जी, इस structure का नाम है perineal body. Perineal body basically है क्या, क्या है perineal body? ये एक कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर है. ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती है कहां पर, पोस्टीरियर मार्जिन जो है
पेरिनियल मेम्ब्रेन की, वहां प्रेजेंट होती है पेरिनियल बॉडी, ठीक है, और इससे अटैच होती है किसकी पोस्टीरियर मार्जिन, यूरोजेनाइटल हियाटस की पोस्टीरियर मार्जिन अटैच होती है पेरिनियल बॉडी से। अब यूरोजेनाइटल हियाटस क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है जिससे कि पास होता है वेजिना और यूरेथ्रा। अच्छा, पहली बात तो ये फीमेल पेल्विस है भाई साहब, ठीक है ना, और फीमेल पेल्विस में अपन देख रहे हैं पेरिनियल बॉडी, और पेरिनियल बॉडी से अटैच होती है पोस्टीरियर मार्जिन किसकी, यूरोजेनाइटल हियाटस की, और यूरोजेनाइटल हियाटस क्या है, जहां से यूरेथ्रा और वेजाइना फीमेल का पास कर रहा है, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे है ये रेक्टल हियाटस, ठीक है, एनल, जहां से एनस, ये एनस स्ट्रक्चर, ये क्या है, एनस है, और ये इसको हम कहते हैं क्या है, ये रेक्टल हियाटस है, ठीक है भाई साहब, ये रेक्टल हियाटस है, ठीक है। तो अब अगली जो स्ट्रक्चर में एरो मार्क कर रहा हूं उसको गेस कीजिए वो स्ट्रक्चर क्या है, हियर यू गो, क्या है ये स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का नाम है जी बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल। अब ये जो पेरिनियल बॉडी है ना, इससे अटैचमेंट होती है कुछ मसल्स की, जो कि पेरिनियल मसल्स हैं, जो कि पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं, वो अटैच होती हैं इस कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर से, और ये पहली मसल है बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल, पेरिनियल बॉडी से रिलेटेड मसल है पहली बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल। टोटल 10 मसल्स होती हैं, ठीक है, जिनमें से चार तो पेयर्ड होती हैं और दो अनपेयर्ड होती है, 4 आर पेयर्ड एंड 2 आर अनपेयर्ड। नेक्स्ट यू गो फॉर, ये एरो मार्क आ गया जी, गेस कीजिए, स्पॉट आउट दिस एरो मार्क स्ट्रक्चर, कौन सी मसल है ये मसल है जी इस्कियो कैवर्नस मसल, इस्कियो कैवर्नस मसल। अगला स्ट्रक्चर पॉइंट आउट कीजिए जी, अब ये लीजिए, ये कौन सी मसल है यहां पर, इस मसल का नाम है जी सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, इस मसल का क्या नाम है जी, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। तो ये इमेज किसकी है, पेल्विक, ये फीमेल पेल्विस है और ये फीमेल में पेरिनियल बॉडी है। अब बात की जाए मेल में पेरिनियल बॉडी क्या यहीं पर होती है, सेम जी बिल्कुल यहीं पर होती है, बस वहां स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज हो जाती है, वेजिना की जगह अलग स्ट्रक्चर आ जाती है, लेकिन पेरिनियल बॉडी वही कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर है और वही पेरिनियल मेम्ब्रेन के पोस्टीरियर मार्जिन पर प्रेजेंट होती है। चलिए देखते हैं, सो फ्रेंड्स हियर यू कैन सी मेल पेल्विस, और मेल पेल्विस में भी सेम जगह प्रेजेंट होती है पेरिनियल बॉडी, इट इज प्रेजेंट एट द मार्जिन, पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन, पेरिनियल मेम्ब्रेन की जो पोस्टीरियर मार्जिन है उस पर प्रेजेंट है पेरिनियल बॉडी, और इस पेरिनियल बॉडी से टोटल रिलेटेड मसल कितनी है, 10, 4 जिसमें पेयर्ड हैं, 2 जिसमें अनपेयर्ड हैं, टोटल हो गई 10, 10 मसल, 10 मसल्स के नाम देख लेते हैं, हियर यू गो, पेयर्ड मसल्स आर बल्बोस्पॉन्जियस मसल, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, लिवेटर एनाई मसल, ठीक है। अब ये सारी मसल अपन देखने वाले हैं इमेज में, तभी इस इमेज वाली एनाटॉमी सेशन को क्रिस्पी टच मिलेगा, तभी इसको बोलेंगे अपन इमेज वाली एनाटॉमी सेशन, ओके। अनपेयर्ड में है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल इन एनल कैनाल, अच्छा जी लॉन्गिट्यूडनल मसल इन एनल कैनाल है, ये दो स्फिंक्टर के बीच में प्रेजेंट है, ये एक्सटर्नल है, अगर ये इंटरनल है, एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में जो मसल प्रेजेंट है उसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल मसल इन एनल कैनाल, ठीक है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और इंटरनल एनल स्फिंक्टर के बीच में लॉन्गिट्यूडनल मसल इन एनल कैनाल, ठीक है। अब ये मसल हमने स्पॉट आउट की थी बल्बोस्पॉन्जियोसस और सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, अब बाकी जो बच गई है उनको स्पॉट आउट कर लेते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं इमेज के अंदर फटाफट। ये लो जी इमेज आ गई, एक साइड है सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, एक साइड है डीप स्ट्रक्चर, और ये क्या है फीमेल स्ट्रक्चर है जी, ठीक है, और यहाँ देखिए इस्कियो कैवर्नसस जो हमने स्पॉट आउट की थी, बल्बोस्पॉन्जियोसस जो पहली पेयर्ड मसल है, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, ये लो जी इस्कियो कैवर्नस ये रही, बल्बोस्पॉन्जियोसस ये रही जो कि पेयर्ड मसल है, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल ये रही,
दो मसल हो चुकी है पेड वाली, तीसरी पे आ जाओ जी, तीसरी है डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, तीन मसल, चौथी है लिवेटर एनआई मसल, ये लो जी, ये रही डीप और ये रही लिवेटर एनआई की मसल, और लिवेटर एनआई में दो थी प्यूबो कोक्सीजियस, तो ये अंदर वाली है ये प्यूबो कोक्सीजियस, और ये जो इसके ऊपर है अलग वो है इलियो कोक्सीजियस। सो चार पेयर्ड मसल हम कर चुके हैं ना, एक बार फिर से अपन फिगर आउट कर लेते हैं सबको भाई साहब, क्लियर होना चाहिए सब कुछ, ठीक है, इमेज वाली एनाटोमी सेशन बोला है तो सब कुछ क्लियर मतलब क्लियर, ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मसल एक बार कर ली फिर भी याद नहीं हो रही है, इमेज देखोगे तो कर दोगे ना दोबारा, तो वही चाहिए अपने को। ये रही इस्कियो केवर्नस, ये रही बल्बो स्पॉन्जियोसिस पेयर्ड मसल नंबर वन, पेयर्ड मसल नंबर टू सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, डीप ट्रांसवर्स ये रही, अच्छा लिवेटर एनआई में दो मसल थी, प्यूबो कोक्सीजियस ये रही, इलियो कोक्सीजियस ये रही, हो गई टोटल पेयर्ड मसल चार, पेयर्ड हैं इसलिए आठ, डीप एरिया में हमने कर ली डीप ट्रांसवर्स और ये हो गई लिवेटर एनआई। अब बचती है बात किसकी, अनपेयर्ड मसल की, अनपेयर्ड में क्या था जी, अपने पास थी एक एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर की मसल और एक थी लॉन्गिट्यूडनल एनाल कैनाल की मसल, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल तो बीच में थी ना, एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर और इंटरनल के बीच में, तो वो तो अपन यहाँ देख नहीं पाएंगे लेकिन वो इनके बीच में प्रेजेंट है और एक्सटर्नल वाली हमने देख ली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा इमेज वाली एनाटोमी का सेशन, आज का सेशन होता है पूरा, होप यू ऑल फील दैट दिस सेशन इज हेल्पफुल, अगर ऐसा लग रहा है कि सेशन हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो, आपके लिए अच्छा कैसे है, क्योंकि आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपकी अपकमिंग एग्जाम में हेल्प करने वाला है, चाहे एग्जाम हो एफएमजी वाला एग्जाम हो आईएनआई सेट वाला, अगर गलती से वहां एग्जामिनर ने ये पूछ लिया और गलती से आपने ये यहाँ पढ़ लिया है तो सब कुछ सही हो जाएगा ना, कहते ना एक गलती सही वाली कर लो, सही वाली गलती आप मेरे साथ कर रहे हो, हाँ इमेज वाली एनाटॉमी पढ़ के सही वाली गलती यहाँ कर ली है, अच्छा तो ये सही वाली गलती की है तो एग्जाम में एक क्वेश्चन सही, दो क्वेश्चन आ गए तो दो सही, टोटल हमने कितने 10 मसल है तो 10 क्वेश्चन हो गए भाई साहब, 10 क्वेश्चन नहीं हुए तो 6 क्वेश्चन तो हो गए, ये स्ट्रक्चर तो देखी है ना तुमने, ठीक है यहाँ अलग स्ट्रक्चर, ये देखो सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट है ये, ठीक है ये ग्लूटियस मैक्सिमम हो गया, ठीक है इधर भी है ये मसल देख लो, ये ग्लूटियस मैक्सिमस है, ठीक है तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ये भी जोड़ लो यार इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो, इमेजिन करो स्ट्रक्चर को, आईज अपनी बंद करो और स्ट्रक्चर अभी इमेजिन करना, ये मसल हो जाएगी याद आपको, जब भूलो तब फिर से एक बार इमेज इमेजिन देखना इमेज और उसको इमेजिन कर लेना, आंखें बंद करना और सोचना कि ये यहाँ होती है बल्बोस्पॉन्जियोसिस, यहाँ होती है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स, यहाँ होती है डीप, यहाँ होती है लिवेटर एनआई, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स टू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, खुश रहो मस्त रहो, वीडियो अच्छी लगी है आपको तो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, गुड नाइट सबको, मस्त रहो, अगला सेशन मिलेगा आपको आफ्टर 7 डेज ऑन नेक्स्ट संडे, मे बी इन बिटवीन कोई शॉर्ट वीडियो मिल जाए, जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ खास, चैनल को चेक करते रहना, हो जाएगा धमाका आने वाले एग्जाम के लिए, बाय बाय टाटा।